हाल ही में जहां पर एक्टर डायरेक्टर सिंगर फरहान अख्तर साहब ने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया, वहीं पर अब फरहान अख्तर ने ट्वीट करके फिल्म डॉन 3 के बारे में कुछ कहा है। दरअसल उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है फिल्म डॉन 3 को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। बात चल रही है फरहान अख्तर साहब की फिल्म डॉन 3 के बारे में। कुछ दिनों पहले खबर आई कि शाहरुख की डॉन 3 पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है। इस फिल्म में शाहरुख के ऑपोजिट प्रियंका के अलावा किसी और अभिनेत्री को चुन लिया गया है। जी हाँ, डॉन 3 से प्रियंका आउट हो गई है, लेकिन ये भी माना जा रहा था कि फरहान अख्तर साहब डॉन 3 में एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। पर फरहान को जैसे ही इस अफवाह के बारे में पता चला, फरहान ने तुरंत ट्विटर का सहारा लिया और भड़क गए। फरहान ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आने वाले हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा, जो इस अफवाह को उड़ा रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं, इस बात के पीछे कोई तथ्य नहीं जिस पर इतनी बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि तथ्यों की जांच किए बिना खबरों पर ध्यान देने वालों से अनुरोध है कि वो ऐसा ना करें, झूठी खबरों के आधार पर केवल मनोरंजन के लिए अटकलों को बढ़ावा ना दें। इसके अलावा फरहान ने इस बात की जानकारी भी दी है कि इस फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जिस पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। फिल्म में शाहरुख खान अहम किरदार में होंगे और उनके साथ एक फीमेल एक्ट्रेस और एक पुलिस के किरदार को निभाने वाला अभिनेता होगा। पर शाहरुख के अलावा ये दोनों कैरेक्टर कौन प्ले करने वाला है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। और जितनी अफवाहें और खबरें निकल रही थी, उस पर पुष्टि देते हुए फरहान ने खबरों का खंडन कर दिया और कह दिया है कि अफवाहें न फैलाएं। ये फिल्म अख्तर और रितेश सिद्धवानी के प्रोडक्शन में बन रही है। इस पर यह खबर भी आई थी कि फिल्म में प्रियंका की जगह दीपिका को लिया जाएगा। डॉन 2 में प्रियंका चोपड़ा ने रोमा का किरदार निभाया था, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन अब देखा जाएगा कि फिल्म में प्रियंका की जगह कौन आता है। लेकिन फरहान अख्तर ने इस पर साफ इनकार कर दिया है कि वो इस फिल्म में नजर आएंगे। देखते हैं फिल्म से जुड़ी आगे और कौन सी खबरें आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।